यहाँ पे एक्सेल में तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है। सबसे पहले ये रेक्टेंगल है, उसके बाद हम यहाँ रखते हैं सर्कल, ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल को रखा और ये सर्कल है। अगर अभी देखा जाए तो सबसे नीचे हमारा ब्लू कलर का रेक्टेंगल है और उसके बाद ये ट्रायंगल है रेड कलर का और सर्कल है ग्रीन कलर का। अब मैं ये चाहता हूं कि ये सर्कल जो है, सर्कल को हमें इस रेक्टेंगल और रेड कलर के बीच में लेके जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहां देखिए सेंड टू, यहाँ पे दो कमांड है, इस पर सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक। अगर मैं सेंड टू बैक करता हूं तो ये ऑब्जेक्ट सीधा नीले वाले रेक्टेंगल के पीछे चला जाएगा, लेकिन मुझे भेजना है एक स्टेप पीछे, यानी कि केवल इस ऑब्जेक्ट के नीचे भेजना है। तो यहाँ हम सेंड बैकवर्ड करेंगे, सेंड बैकवर्ड वन स्टेप बैक होगा ये, और अगर उसके नीचे और हमें भेजना हो फिर हम सेंड बैकवर्ड करेंगे। ये सबसे नीचे चला गया। अगर मुझे डायरेक्ट ऊपर लेके आना है तो यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट, सीधा ऊपर आ गया। अब इसे भी ऊपर लेके आना है तो हम यहाँ जाएंगे और ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये वन स्टेप ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस कमांड को हम यूज करते हैं। अब देखिए कि ये तीनों अलग अलग हैं। अगर मैं ऐसा करता हूँ ये अलग अलग हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ग्रुप हो जाए। एक सपोज ऐसे हमने एक बनाया, मैं चाहता हूँ कि ये एक ग्रुप में हो जाए, तो हमें तीनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें शिफ्ट बटन को दबाना होगा, शिफ्ट बटन को दबा के एक एक करके तीनों पे क्लिक करेंगे हम। अब ये देखिए तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हैं, और जब ये तीनों सिलेक्ट हो गए तो अब हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट पे और यहाँ ग्रुप कमांड है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। ग्रुप कमांड पे क्लिक करते ही ये एक ग्रुप में हो गया, और ये अब कहीं भी हम इसको ले जाएंगे तो ये एक साथ ही जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे, और ये इसी डिजाइन में जाएंगे। अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो यहाँ देखिए रोटेट है, रोटेट में हम यहाँ से देखिए 90 डिग्री रोटेट हम कर रहे हैं, 90 डिग्री राइट कर रहे हैं, ये राइट के साइड, राइट साइड हो गया। अगर हम 90 डिग्री लेफ्ट करते हैं तो फिर पहले जैसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप वर्टिकल अपोजिट में हो गया डायरेक्ट, और ये फ्लिप हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटली ये मूव कर गया, पलट गया ये। तो इस तरीके से इस कमांड को भी हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये सीधा हो गया। धन्यवाद।